ओम शांति। सर्दी का मौसम आ गया है और हमें अपने आप को और बच्चों को सर्दी जुकाम से बचाना है। आज मैं आपको ऐसी विधि बता रही हूँ जिसको अपनाकर आप पूरी सर्दी, खांसी जुकाम और सर्दी के लिए खांसी जो आती है दम्मे वाली, उसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। इसके लिए मैं आपको विन केयर बताऊंगी। विन केयर में ना अपने आप इजाद किया हुआ फॉर्मूला है जिसको मैं मरीजों पर इस्तेमाल करती हूँ और उसका बहुत अच्छे परिणाम है। इसमें आपको क्या करना है, सुबह उठते ही बच्चे को उम्र के हिसाब से आधे से एक गिलास गुनगुना पानी ब्रश करने से पहले पीने को दें और उसके बाद मुंह धोए तो सामान्य पानी से धोए। ऐसा नहीं बहुत ठंडा पानी जैसा नल में आता है, तो उन दिनों में थोड़ा सा पानी को गुनगुना कर ले, क्योंकि ये जो एकदम चिल्ड वाटर हम अपने चेहरे पे डालते हैं वो नाक बंद होने का और जुखाम का कारण बन जाता है। ये हम बड़ों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नाश्ते में उन्हें दूध जरूर दें। दूध एक गिलास दें और एक गिलास दूध उन्हें उसमें चौथाई चम्मच हल्दी, चौथाई चम्मच सौंठ का पाउडर, चार पत्ते तुलसी और दो पत्ती केसर की डालकर उबाल दें। अच्छी तरह उबला हुआ दूध फिर उन्हें गुनगुना करके जैसा उनको टेम्परेचर पसंद है, मीठा या फीका जैसा वो पसंद करे, उन्हें पीने को रोज दें। बाकी दिनचर्या में जैसा वो खाना चाहे उसे खाना खिलाएं, आप लोग भी ऐसा करें। और उसके साथ पूरे दिन के खाने में एक डाइट में, चाहे वो सब्जी हो या कोई स्टफ्ड कोई चीज़ बना रहे हो, परांठा हो या कुछ भी डिश हो, सुबह से रात तक की एक डिश में थोड़ा गर्म मसाला जरूर डालें। सर्दियों के मौसम में गर्म मसाला आपका खुद बनाया हुआ होना चाहिए तो वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि बाजार के गर्म मसाले में काली मिर्ची वगैरह ज़्यादा होती है तो कईयों को सूट नहीं करती। खास करके कहने का अर्थ है गर्म मसाला वो जिसमें तेज पत्ता हो, बड़ी इलायची हो, लौंग हो, थोड़ा जायफल हो। काली मिर्ची वगैरह की जरूरत नहीं है, डाल भी सकते हैं पर वो तीखापन दे और किसी को तीखापन पसंद नहीं तो ना इस्तेमाल करें। इसके बाद मुंह दिन में तीन बार जरूर धोएं, बच्चों को खास तौर से धुलवाएं और उनको कहें कि पानी से नाक साफ करें। बार बार जुखाम वगैरह होने पर जो रुमाल टिश्यू पेपर से नाक साफ करते हैं उससे नाक छिल जाती है, तो पानी से नाक साफ करके और नाक में उनकी छोटी उंगली लेकर उस पर नारियल तेल या वैसलीन या कोल्ड क्रीम जो भी आपके घर पे उपलब्ध है वो उसकी उंगली छोटी पर चुपड़ के, बच्चे के साइज की होगी उंगली, उससे उसकी नाक के अंदर की सतह पर चुपड़वा दें। ऐसा करने से आपके बच्चे की नाक कभी नहीं रुकेगी, चाहे कितनी भी ठंडी में आप जा रहे हैं, चाहे आप बर्फीले प्रदेश में घूमने भी जाएं, और अगर बाहर निकलने से पहले आप इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सुविधा हो गई, बिल्कुल बीमार नहीं पड़ते। तो ये दिन में तीन बार करें और चेहरे पर भी कुछ चिकनाई वैसलीन या नारियल तेल जरूर लगा कर रखें ताकि चेहरे की त्वचा सूखी होकर फटे नहीं। इतना ध्यान रखने से आप पूरी सर्दी, खांसी जुकाम सर्दी से बचे रहेंगे। अब एक बात मैं बताती हूँ दमे की खांसी के लिए, जिन बच्चों को एस्थमेटिक जो सांस की नलियों से कड़ जाती है और ठंडी हवा लगते ही उनकी सांस रुक जाती है, सर दर्द होता है, साए साए की आवाज़ छाती में आती है, रात को भी उठ जाती है, बच्चे नंगे सो जाते हैं, रजाई उगड़ जाती है, और ऐसे बच्चों के या बड़ों के लिए भी एक मैं उपाय बतलाती हूँ जिसको करने से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और पूरी सर्दी राहत से निकल जाएगी। छोटी पीपर है जो एक मसाला है अपने यहाँ पे और वो पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। इसका 10 किलो के वजन पर एक पीस के हिसाब से, यानी अगर बच्चा एक साल का है तो 10 किलो वजन होता है, उसी हिसाब से उसका वजन देखते हुए 10 किलो पे और 20 किलो पे दो, और अगर 40 किलो का है तो चार पीस, इसी तरह 60 किलो का है तो 6 पीस। आप रात को सोते समय एक कप दूध, एक कप पानी, उसमें ये वजन के हिसाब से पीस डाल दीजिए, उसको इतना उबालिए कि वो वापस एक कप रह जाए चाय की तरह, फिर उसे थोड़ा चीनी डालना चाहे तो, नहीं तो मिश्री डाल के थोड़ा हल्का मीठा करके उसको सोते समय पीने को दे। वो अगर उसको पीकर रात को सो जाते हैं और फिर पानी ना पिए और ओढ़कर सोएं, थोड़ा नंगे ना सोएं, सर खुला छोड़कर, नाक खुली छोड़कर ठंडी हवा में,
अगर वो ऐसा रखते हैं तो उन्हें पूरी सर्दी दमा नहीं सताएगा और दमे की खांसी नहीं होगी। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं अपने मरीजों पे इस्तेमाल करती हूँ, बच्चों को इनको बता करके। जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो बहुत खुश रहते हैं और हमेशा अगर कहते कि ऐसे डॉक्टर तो आप ही हैं जो एलोपैथी के साथ साथ हमें परहेज और आयुर्वेदिक विधियाँ भी बताते हैं जो घर के उपचार से हम ठीक रह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप भी इससे इस्तेमाल करेंगे और इसका प्रभाव देखकर मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।